हेलो फ्रेंड्स, टेक्सटबुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। हमेशा पॉजिटिव रहें, वर्क हार्ड करें और मेरे दोस्तों मेक इट हैपन होने दें। हर चीज़ जो है वो ट्रैक पर आ जाती है, जिंदगी ट्रैक पर आ जाती है, सब कुछ पॉजिटिव रहता है अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते हो। आप अच्छा अच्छा सोचोगे आपके साथ अच्छा अच्छा होगा। जब आप नेगेटिव सोच से घिरे रहोगे तो आपके साथ चीज़ें नेगेटिव ही होने लग जाती हैं मेरे दोस्तों। तो ध्यान रहे, पॉजिटिव रहना है, मेहनत करनी है और एग्जाम निकलेंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को हमारे पहले सवाल के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। फिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है देन कार्बोनिक एसिड। तो फिनोल जो है कार्बोनिक अम्ल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय है। फिनोल लेस एसिडिक है देन इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल की तुलना में फिनोल कम अम्लीय होता है। फिनोल ज़्यादा अम्लीय होता है इथेनॉल के मुकाबले में, या फिर फिनोल मोर एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से। तो मेरे भाइयों, अम्लता के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था रसायन विज्ञान की क्लासेस में। केमिस्ट्री का एक ही कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगी, तो रसायन विज्ञान भाग दो की ये आपकी कक्षा है। ठीक है, वो पार्ट वन सब लोगों ने देखा होगा। इनकेस अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा, फटाफट से जाके पार्ट वन देख ले, फिर पार्ट टू के ऊपर आ जाए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिनोल ज़्यादा एसिडिक है कार्बोनिक अम्ल के मुकाबले में, फिनोल कम एसिडिक है इथेनॉल के मुकाबले में, फिनोल ज़्यादा एसिडिक है देन इथेनॉल, या फिनोल मोर एसिडिक है देन एसिटिक एसिड। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। फिनोल इथेनॉल के मुकाबले में ज़्यादा अम्लीय होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ गाइस। एसिड देखो, एसिडिक एसिडिक एसिड, अम्लता के ऊपर क्वेश्चन है, अम्लता की बात हो रही है, तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एसिड्स क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। अगर हमें अम्ल के बारे में पता है तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सुनो मेरी बात एक ध्यान से, एक फिनोल है और दूसरा क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, तो एक हमारे पास फिनोल है, एक इथेनॉल है। हमें ये बताना है कि इन दोनों में से ज़्यादा अम्लीय कौन है, ज़्यादा एसिडिक कौन है। एसिड कौन होते हैं, जो एच पॉजिटिव आयन को दे देते हैं, रिलीज कर देते हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। एग्री करते हो, जो एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है, उन्हें एसिड कहा जाता है। अब ये भी एच पॉजिटिव को रिलीज कर सकता है, यहाँ से ये भी एच पॉजिटिव को रिलीज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, एच पॉजिटिव को रिलीज कर कर जो पीछे बनता है, अगर तो वो स्टेबल होता है तो ऑब्वियसली एच पॉजिटिव को जाने देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, मान लो कि ये पति पत्नी है, ये हाइड्रोजन पत्नी है, ये ऐसी पत्नी है जो हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश करती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका पति सोचेगा कि अगर हाइड्रोजन चला भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्टेबल हूँ, मैं स्थिर हूँ, इसके बिना भी रह लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं इसके बिना रह सकता हूँ, मैं दूसरी शादी करा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तब तो ये हाइड्रोजन को जाने देगा। अगर हाइड्रोजन इसकी कमजोरी है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को कभी भी जाने नहीं देगा, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के बिना रह नहीं सकता, मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो हाइड्रोजन को कभी भी जाने नहीं देता। गाइस ये बात ध्यान रखना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ समझते हैं, मैं फिनोल के बारे में बात करूं। अगर फिनोल एच पॉजिटिव आयन को खोता है तो फिनोक्साइड आयन बनता है। ठीक है, अगर अल्कोहल एच पॉजिटिव आयन को खोता है तो एल्कोक्साइड आयन बनता है। आपका फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। ज़्यादा स्टेबल कैसे है, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये पूरी रिंग के ऊपर, ऐसे ऑक्सीजन इसको रिंग के ऊपर देगा, पूरी रिंग पे ये चार्ज फैल सकता है, घूम सकता है और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो फिनोल जो है वो एच पॉजिटिव का रिलीज करता है इजीली। इसके लिए एच पॉजिटिव का रिलीज होना आसान है। ये कहते हैं कि यार एच पॉजिटिव को रिलीज कर देता हूँ, एच पॉजिटिव को रिलीज करने पर मेरे पास जो ओ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो फिनोक्साइड आयन जो बनेगा वो तो स्टेबल हो ही जाएगा, रिंग उसको स्टेबलाइज कर ही देगी। तो फिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है, उसके लिए एच पॉजिटिव को रिलीज करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू इथेनॉल। आई होप मेरे भाइयों ये पॉइंट, ये बात आप सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है, डन है, ये बात आई होप सभी लोगों को क्लियर है। चले गाइस लिस्ट वन और लिस्ट टू को अब हम लोग देख लेते हैं। एसिटोफिनोन है, बेंजाइल एल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है और बेंजोफिनोन है। फटाफट से देखो, मैथ्स का कॉलम लगाओ और बताओ कि राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या होगा। एसिटोफिनोन है, बेंजाल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है और बेंजोफिनोन है। ठीक है, मैच का कॉलम खेलना है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, आपको जस्ट मैच करना है कौन किसके साथ सही से मैच हो रहा है, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगर मैं ए की बात करूँ, एसिटोफिनोन, ये आपका एसिटोफिनोन होता है। बेंजाल्डिहाइड की बात करूँ मेरे दोस्तों, ये आपका बेंजाल्डिहाइड है। ठीक है, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका बेंजोइक एसिड है।
ठीक है, सी ओ एच ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप एसिड होता है, ये आपका बेंजोइक एसिड है और ये आपका बेंजोफिनोन है, ठीक है, ये दो बेंजीन है, बीच में सी डबल बॉन्ड हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं बेंजोफिनोन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर होगी बात सभी को, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एंड डैश इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फॉर थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जल्दी से बताओ, थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करूं तो कौन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है गाइस, सोडियम पोटेशियम, सोडियम क्लोरीन, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम क्लोरीन, बताओ। डैश जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और डैश जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है थर्ड पीरियड के अंदर, अगर मैं बात करूँ पीरियोडिक टेबल की, तो सोडियम पोटेशियम, सोडियम क्लोरीन, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम क्लोरीन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है मेरे दोस्तों, दैट इज सी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम आपका मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। गाइस जिसका साइज बड़ा होता है ना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है क्योंकि उसकी आयनीकरण ऊर्जा जो होती है वो कम होती है, ठीक है, आप थोड़ी सी एनर्जी देते हो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। जिसका साइज छोटा होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जोर से अपनी तरफ खींच के रखता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज पॉइंटर नंबर फोर। द शॉर्टेस्ट सी सी बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन, सबसे छोटा कार्बन कार्बन बंध जो है डैश में पाया जाता है, इथेन में, बेंजीन में, डायमंड में या फिर एसिटाइलीन में, बता सकते हो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, इथेन के अंदर, बेंजीन के अंदर, हीरे के अंदर या फिर एसिटाइलीन के अंदर, बता सकते हो मेरे भाइयों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलो भाई सब लोग ट्राई करो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि स्टूडेंट्स ट्राई ना करें, ट्राई सब लोग करो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सबको मैं ऑब्वियसली बताऊंगी, हूँ ही आपके लिए बताने के लिए, लेकिन ट्राई जो है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स करेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आप लोगों का कौन सा ऑप्शन, बहुत आसान, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, एक चीज़ याद रखना, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम है, ये सबसे छोटा बॉन्ड है, शॉर्ट बॉन्ड। इधर जो है वो बॉन्ड ऑर्डर आपके बीच का है तो बॉन्ड लेंथ भी ऐसी है, यहाँ पे आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सबसे कम है तो आपकी बॉन्ड लेंथ जो है मेरे दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। सिंगल बॉन्ड के अंदर, इथेन के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड लेंथ कम होती है, और आपके ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है मेरे दोस्तों वो सबसे कम होती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पता होता तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे देते, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, डन होगी, ओके रिपोर्ट। चलो गाइज अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जल्दी से बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें। अगर आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कौन से प्रकार के होते हैं तब तो आप बता पाओगे इस क्वेश्चन का आंसर, कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, अगर आपको पता है फिर तो आप इजीली मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। जल्दी से बता दो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी कौन सी है। देखो कंसेप्ट समझो, इंटेंसिव में आता है इन, इन का मतलब इंडिपेंडेंट के अंदर भी इन आता है, जो इंडिपेंडेंट है वो क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट है मेरे दोस्तों किसके, द्रव्यमान के, वो कैसी क्वांटिटीज हैं आपकी, इंटेंसिव, ठीक है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो है जो डिपेंडेंट है, किसके डिपेंडेंट है, द्रव्यमान के, मास के डिपेंडेंट है, वो होती है एक्सटेंसिव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वॉल्यूम है, ऑप्शन नंबर वन जो है आयतन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, तो आयतन जो है, वॉल्यूम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कौन सी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो आपकी जो वॉल्यूम होती है वो आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड करती है द्रव्यमान पर, मास पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, जल्दी से बताओ निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को अलग अलग करते हैं, लुका रिएजेंट, विलियमसन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल या फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बता सकते हो फ्रेंड्स, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कौन सा यूज किया जाता है 1 डिग्री, देखो एल्कोहल जिस कार्बन पे हुआ जुड़ा है अगर उसके साथ एक ही कार्बन लगा है तो उसको कहते हैं 1 डिग्री,
जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उसके साथ अगर दो कार्बन लगे तो उसको कहते हैं 2 डिग्री। जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उसके साथ अगर मेरे भाइयों 3 कार्बन लगे हैं तो कहते हैं इसको 3 डिग्री। तो आपसे पूछा गया आपको फर्क बताना है फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री अल्कोहल में, किसकी मदद से बताते हैं गाइस? लुका रिएजेंट या लुका टेस्ट से हम लोग ये देखते हैं। अभी लुका रिएजेंट क्या होता है, आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम जिंक क्लोराइड ZnCl2 के अंदर डालते हैं तो इसको हम कहते हैं लुकाज रिएजेंट। ठीक है, तो ये आपका लुका रिएजेंट कहता है। तो कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक क्लोराइड के अंदर आप लोगों ने डाला तो ये आपको बताता है अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो मेरे दोस्तों टर्जिडिटी मतलब थोड़ा सा क्लाउडीनेस की रिएक्शन हो गया, ये 5 मिनट के अंदर आएगी। अगर आपका 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो फट से आ जाएगी, ऑन द स्पॉट आपने डाला था टर्जिड तो हमें अगर रिएक्शन बहुत तेज हो तो हमें पता चल जाता है 3 डिग्री अल्कोहल है, थोड़ा स्लो हो तो हमें पता चल जाता है 2 डिग्री अल्कोहल है, और बहुत स्लो हो तो हमें पता चल जाता है 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अगर रिएक्शन हो ही ना नो रिएक्शन टेक्स प्लेस करे तो हमें पता चल जाता है कि 1 डिग्री अल्कोहल। तो लुका रिएजेंट HCl एंड ZnCl2 है गाइस, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके अंदर लुका रिएजेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बेसिकली लुका रिएजेंट ही हमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर डिफ्रेंसिएशन करके बताते हैं। ठीक है, डैश रिएक्ट विगरेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइन, भुजा चूना का उत्पादन करने के लिए डैश जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, कौन करता है? डैश रिएक्ट करता है विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइन, भुजा चूना का उत्पाद करने के लिए डैश जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है COH होल्ड वाइज, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर कैल्शियम क्लोराइड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है ये रिएक्ट करता है बहुत ही विग्रेसली पानी के साथ और स्लेक लाइन बनाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ही रिग्रेसली पानी के साथ रिएक्ट करता है, COH होल्ड वाइज बनाता है, इसको मेरे दोस्तों स्लेक लाइन कहते हैं। और स्लेक लाइन के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि स्लेक लाइन को दूधिया कर देता है, मिल्की कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है तो याद रखना, इसे क्विक लाइम कहते हैं, CaO इज क्विक, छोटा है ना यार तो मैं क्विक लाइम कह दूँ। ठीक है, जो बड़ा है COH होल्ड वाइज इसको मैं स्लेक लाइम कह दूँ क्योंकि ये बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज, तापमान में वृद्धि से अभिक्रिया का दर भी ठीक है वृद्धि हो जाती है, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रूटफुल कॉलिजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं, टकराव बढ़ जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव, बता सकते हो गाइस? शाबाश, चलो जल्दी से बताओ, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब इंक्रीज करते हैं हम तापमान को तो रेट ऑफ द रिएक्शन अभिक्रिया का दर भी बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है इसके पीछे का कारण आपको बताना है, क्योंकि इंक्रीज हो जाता है फ्रूटफुल कॉलिजन, बहुत सारी कॉलिजन होती है, कॉलिजन में वृद्धि होती है तो फ्रूटफुल कॉलिजन बढ़ जाते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। जब भी मेरे दोस्तों हम तापमान को बढ़ाते हैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपको पता है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जैसे ही नीचे से हीट मिलती है पार्टिकल्स तेज तेज वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही तेज तेज वाइब्रेट करते हैं दूसरे में ठा 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 करके टकराते हैं, इनमें वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। ठीक है, तो एक तो कॉलिजन्स बढ़ते हैं, जितना टकराएंगे उतना कोलाइड करेंगे, जितनी कॉलिजन बढ़ती है उतना ही रिएक्टेंट अभिकारक जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है, इसे कॉलिजन थ्योरी कहते हैं, चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, अब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, जितने मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो उतने टक्कर मारेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स टक्कर मारेंगे उतनी ही जल्दी आपके अभिकारक उत्पाद के अंदर प्रोडक्ट के अंदर परिवर्तित होंगे, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्पेरिकल रूल यूज टू प्रिडिक्ट आपका रियो सिलेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, जल्दी से बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन सा एक इंपेरिकल रूल है जिसका यूज किया जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए रियो सिलेक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा एल्कीन्स का एल्काइन्स का, ये बताने के लिए कौन सा रूल देखा जाता है? बहुत आसान है गाइस, सोचो थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग लगाओ और बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगता है।
बताओ। इसका आंसर है मोर कॉर्निकॉफ रूल। मेरे भाइयों, मोर कॉर्निकॉफ रूल से हमें ये चीज पता चलती है। मोर कॉर्निकॉफ रूल किस पे लगता है? जहां पर डबल बॉन्ड हो सबसे पहली बार, और आप किसको यूज करें, हाइड्रोजन क्लोराइड HBr, मतलब आपका हाइड्रोजन के साथ कोई भी हेलोजन हो, ठीक है, आपका तब मोर कॉर्निकॉफ रूल लगता है। अब कहानी क्या होती है कि H और Cl दोनों के दोनों ने डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन पे चिपकना है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिपल बॉन्ड पे चिपकना है। अब इन्होंने चिपकना है तो ये कौन से रिएक्शन है? अब देखो, मोर कॉर्निकॉफ रूल क्या बताता है कि HBr HI रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन और Br, ब्रोमीन वहां जाना चाहता है जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं। ये मोर कॉर्निकॉफ रूल में पता चलता है। मान लो इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है, इधर इसके साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके इधर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो जब डबल बॉन्ड के क्रॉस ये ब्रोमीन जाएगा, ब्रोमीन मोटा है, मोटा मोटा व्यक्ति हमेशा उस जगह पे रहना चाहता है जहां पे रश कम हो, बजड़बाजी कम हो, तो ऑब्वियसली ये कहाँ रहना चाहेगा, हाइड्रोजन के पास। तो ये मोटा व्यक्ति कहाँ रहना चाहेगा, हाइड्रोजन के पास, ठीक है। हाइड्रोजन जाएगा, इधर आपका ब्रोमीन लगेगा, क्लियर। तो यहाँ पर आपका ब्रोमीन की एडिशन होगी। मोर कॉर्निकॉफ रूल हमें ये बताता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस आप HBr ले लो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, कौन कहाँ चिपकेगा, ठीक है। ये मोर कॉर्निकॉफ रूल से हमें पता चलता है। ब्रोमीन या फिर कोई भी हेलोजन हो, हेलोजन साइज में बड़े होते हैं हाइड्रोजन के मुकाबले में, वहां जाना चाहते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, इसे मोर कॉर्निकॉफ रूल कहते हैं। यही हमें ये बताता है। गाइस, डेल्टा जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज, जल्दी से बताओ डेल्टा जी की वैल्यू किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितनी होगी। डेल्टा जी 0 के बराबर है, डेल्टा जी इज लेस देन 0, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 1। चलो मेरे भाइयों, सोचो बताओ इसका आंसर क्या लगता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पहले तो पता ही नहीं होगा, तो आंसर तो कैसे बताओगे? पहले मुझे बताओ सभी की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं मेरे भाइयों जो खुद से हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, जो खुद से हो जाते हैं, दे आर नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, जो खुद से टेक्स प्लेस करें उन्हें स्पॉन्टेनियस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है भाइयों। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू आपकी 0 के बराबर होती है, ठीक है, ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डेल्टा जी इज लेस देन 0। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई हीट देनी पड़ेगी, कोई इग्निशन करना पड़ेगा, नहीं, वो खुद से ही मेरे दोस्तों आपके हो जाएंगे, उन्हें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। नायलॉन 6666 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी से बताओ, नायलॉन 6666 एक होमोपॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, इलास्टोमर है, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या है मेरे दोस्तों नायलॉन 6666? नायलॉन 6666 एग्जाम्पल है किसका? होमोपॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, इलास्टोमर, या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों नायलॉन 6666 आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है, आपस के अंदर कंडेंसेशन होती है तब जाके आपका नायलॉन 6666 बनता है, तो ये आपका एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जल्दी से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक संनेहकीय आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, आपका कन्वर्जन ऑफ मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल अल्कोहल, या फिर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। चलो भाई बताओ। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शब्द का मतलब सुनो, इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग, जिन्हें इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को हटाकर खुद लग जाएंगे, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, कौन? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की नाइट्रेशन। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रिक एसिड है, ये आपका मेरे दोस्तों। ठीक है, जब भी आप बेंजीन की नाइट्रेशन करते हो, कहने का मतलब आपका बेंजीन पे NO2 जुड़ता है, तो ये कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग, इसका काम इलेक्ट्रॉन को खींचना है रिंग से। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे कहा जाता है। हाइड्रोजन यहाँ से लात फटती है बाहर और इसकी जगह NO2 लग जाता है। सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, मेरे भाई हो, उसको सब्स्टिट्यूशन ही तो कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ टेक्स प्लेस करती है। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, जल्दी से बताओ, जो आपकी फोटोकेमिकल स्मॉग होती है उसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश, रासायनिक, धूम। मेरे दोस्तों, आपको जो धुआं होता है बेसिकली किस चीज का बना होता है? बोथ वन एंड थ्री, NO2 गैस का और साथ में आपका पैन का। ठीक है, तो आपकी जो NO2 गैस होती है और जो पैन होती है, इन दोनों से मिलकर आपकी फोटोकेमिकल स्मॉग की फॉर्मेशन होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, डन हो गई। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग क्या होता है मेरे दोस्तों? स्मोक प्लस फॉग, इसको स्मॉग कहते हैं। ठीक है, जब आपकी स्मोक हो, धुआं हो, साथ में आपकी धुंध भी हो, तो धुंध में मिला धुआं आपकी स्मॉग कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिनरल्स नीड इज करेक्ट, जल्दी से बताओ कौन सा पेयर ऑफ मिनरल करेक्ट है? आयरन के साथ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, सोडियम के साथ लिखा है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड। बता सकते हो दोस्तों, आयरन के साथ लिखा है फॉर्मेशन किसकी? हीमोग्लोबिन की। और सोडियम के साथ लिखा है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड। तो आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक है, सोडियम थायरॉयड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि पूरी क्लास राइट आंसर दे सकती है, पूरी क्लास। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, केवल वन। आयरन जो होता है गाइज, वो हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो आयरन ही होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारे रक्त के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करने के अंदर ये मदद करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं सोडियम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड में मदद नहीं करता, आयोडीन जो है दोस्तों वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता है थायराइड ग्लैंड की। सोडियम का काम ही आयोडीन का काम है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ओनली वन, केवल वन। चलो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू डैश पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरे दोस्तों, ये कौन से पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं? तीसरे, पहले, दूसरे या चौथे? बताओ। चलो भाई, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन बिलोंग टू डैश पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरे दोस्तों, ये थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन से पीरियड में है? तीसरे पीरियड में है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये थर्ड पीरियड है। देखो, आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सात पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं गाइस, ये आपके जो समूह है वो 18 है। सब एक चीज और याद रखना, हेनरी मोजले ने आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के आधार पर आपको पीरियोडिक टेबल रखा गया था। और अगर पीरियोडिक टेबल को याद मेरे भाइयों कर लेना, पेपर में आ जाता है, मैं सही बता रही हूँ। हैरी लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप, बियर महंगी करके सरकार बड़ा रोई, सानू तेरे वादिया चो मिलिया फीका करार नी कॉपर सिंह, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कम सिट गीता शराब पिए, न्यूज़पेपर आज सब बिके, उससे टेपो फ्लोर, फिर सीबीआई एट होम और हमने आकर करी एक्स्ट्रा रिएक्शन। ये आपका पूरा का पूरा संपूर्ण पीरियोडिक टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे पेपर में क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कार्बन एक टेट्रावेलेंट है बिकॉज इट हैज फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है क्योंकि इसके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कोवेलेंटली बाउंडेड मॉलिक्यूल्स आर बीन टू हैव वीक बॉन्ड, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं कमजोर होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके बीच में मेरे दोस्तों ताकतवर रहती हैं, स्ट्रांग रहती हैं। बताओ बताओ इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज ओनली वन। ठीक है, तो कार्बन टेट्रावेलेंट है बिकॉज चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है, तो कार्बन हमारे टेट्रावेलेंट होता है क्योंकि इस पे क्या प्रेजेंट होता है, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डन हो गई बात। ओके, अब कोवेलेंटली बॉन्डेड वीक बॉन्ड होते हैं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों कोवेलेंटली बॉन्डेड वीक होते हैं, बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इनमें इतनी भी वीक नहीं होती। नेक्स्ट, अ रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस इफ, जल्दी से बताओ रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है इफ इट्स बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर हाई, अगर उसका दाब और ताप दोनों उच्च होता है, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर लो, अगर उनका दाब और ताप दोनों कम होता है, प्रेशर इज हाई टेम्परेचर इज लो, दाब उच्च होता है तापमान कम होता है, या फिर मेरे दोस्तों अगर प्रेशर कम होता है या उसका तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करी, आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, सबको पता है। एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू है, डी है, जब प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई, जब आपका दाब कम हो ठीक है और तापमान ज़्यादा हो तब आपकी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। गाइस, ये सारे पॉइंटर जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको याद में रखने हैं, पेपर के अंदर एक एक सवाल इससे बनता है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट HTET का कोर्स या कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, JTET का कोर्स लेना चाहते हैं, 7973700450 इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपका केवल 599 rupees का कोर्स है, बहुत ही सस्ता डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स है, या फिर आप मुझे कॉल करोगे, ठीक है, मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर कोर्स दिलाऊंगी और बोलो टीम से कहकर। और यार इतने कम अमाउंट यार कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत कम अमाउंट है गाइस, आप इतनी अमाउंट खर्च सकते हो आराम से अपने करियर के लिए। और जो HTET का कोर्स लेना चाहते हैं, HTET का कोर्स भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, नंबर मेरा सबको पता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करने का। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग tertiary butyl alcohol is obtained by the action of methyl magnesium bromide, जल्दी से बताओ निम्नलिखित में से किस में tertiary butyl alcohol obtain होता है, जब action होता है methyl magnesium bromide का, HCHO, CH3CHO, CH3CO, CH3 या फिर CO2, बता सकते हो? चलो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, CH3C double bond और CH3 यानी कि एसीटोन। From which of the following tertiary butyl alcohol obtain होता है, जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करता है तो वो आपका एसीटोन में होता है। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज अ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आपको वैसे पता होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, आपको ये भी पता होगा कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इस केस में आपका टर्शरी अल्कोहल बनता है, यहाँ पर ऐसे बनेगा CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ OH, यहाँ पे भी CH3, ये फॉर्म होगा। ठीक है, ये आप लोग वैसे आप जान जाओगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे देखो जब नाम लिख के देंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आपके हार्ट बीट ऊपर नीचे होगी, यार ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। गाइस, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, आपके पास CH3COCH3 है, इसे एसीटोन कहते हैं, इसमें अगर CH3MgBr डालते हैं, ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो CH3 है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम जो होता है इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कम है, तो ये अब कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन सेंटर पे अटैक करता है, तो जैसे ही कार्बन सेंटर पे अटैक करता है यहाँ CH3 बनता है, यहाँ इसके पास CH3 लग जाता है, ये CH3 है, ये कार्बन सेल्फिश है, कहता है मेरे चार बॉन्ड पूरे हो गए, ऑक्सीजन तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके भगले, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन पे चले जाते हैं। फिर मैग्नीशियम कहता है कि ओ माई गॉड, मेरा जो साथी था तो कार्बन के साथ चला गया, ऐसी की तैसी मैं भी इसको छोड़ के ऑक्सीजन से शादी करूंगी, तो यहाँ पे बन जाता है MgBr। दोस्तों जैसे ही अपन लोग पानी डालते हैं ये पूरा का पूरा हटता है, O के साथ H लग जाता है और MgOHBr अलग हो जाता है और आपका अल्कोहल बन जाता है जो कि 3rd degree है। जिस कार्बन पे OH हो उसके साथ 3 carbon और जुड़े हैं, इसे 3rd degree कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप ये बात सभी लोगों को हो गई है क्लियर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पॉसिबल है? गाइस, ज्यामितीय आइसोमेरिज्म प्रोटीन में, इथेन में, 1-butene, 2-butene
किसके अंदर देखे जाते हैं? जमितीय समावयवता, जमितीय आइसोमेरिज्म, निम्नलिखित में से आप किसके अंदर देख सकते हो? बताओ, शाबाश, जल्दी से जवाब। जमितीय आइसोमेरिज्म पता है क्या होता है? सिस ट्रांस। गाइस, सिस और ट्रांस को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ब्यूट टू ईन के अंदर हम लोग मेरे दोस्तों सिस और ट्रांस देख सकते हैं। ठीक है, आपके डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे हो तो हम इसे कहते हैं सिस। अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ठीक है, ऑपोजिट ग्रुप सेम साइड पे हो तो हम इसे कहते हैं ट्रांस। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर 4 है, ट्यूब बिटवीन। ठीक है, अब गाइज ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास पार्ट 3 के अंदर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। आई होप आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं। अगर आप लोग पूरी रसायन विज्ञान 3 क्लासेस में डन हो जाए, ठीक है, तो आपको अगर कोर्स लेना हो 7973700450 इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज या कॉल कर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हो। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस में। अगर आप मुझे कॉल करो, कॉल कभी कभी नहीं भी मिलती, ना मिले तो तुरंत व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज डाल देना। ठीक है, सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।